नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो मॉनिटर और प्रिंटर को हमने विस्तार से पढ़ लिया था, इसके प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रिंटर कौन कौन से होते हैं इसके पहली वाली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइस में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डिवाइस को पढ़ने वाले हैं वो है स्पीकर। स्पीकर स्पीकर आप सभी ने देख रखा होगा, जब भी कहीं आवाज आपको सुनाई देती है किसी यंत्र के माध्यम से, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में भी यदि आप गाने सुनते हैं, सॉन्ग्स प्ले करते हैं, तो उसमें आपको ध्वनि सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? ध्वनि। या फिर कहीं शादी में चले जाते हैं तो वहां पर डीजे बजता है, तो वहां पर भी आपको ध्वनि सुनाई देती है गाने के रूप में। तो ये जो ध्वनि का आउटपुट हमें दे रहा है वो कौन देता है? स्पीकर देता है। तो स्पीकर यहाँ पर आउटपुट का कार्य करता है। आउटपुट का कार्य कैसे करता है कि इसमें से हमें सूचना मिलती है। जब कहीं भी इसमें से हमें सूचना मिलती है तो हम क्या करते हैं, आउटपुट के रूप में उसे प्राप्त कर लेते हैं। इनपुट तो आपको पता ही है क्या क्या होता है, इसके पहले वाली क्लासों में मैं बता चुका हूं आपको। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस की तरह कार्य करता है। जो भी यंत्र हैं जिन्हें आप छूकर महसूस कर सकते हैं, चाहे इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, सभी क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। क्या होते हैं? हार्डवेयर। तो यहां पर स्पीकर भी हार्डवेयर युक्ति है, जो क्या करता है, जो ध्वनि के रूप में, ध्वनि या साउंड के रूप में आउटपुट देता है, जो ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। तो स्पीकर का काम हो गया, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस प्लॉटर। प्लॉटर आपने नाम सुन रखा होगा दोस्तों प्लॉटर का, अगर नहीं सुन रखा है तो मैं आपको समझा देता हूं। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक प्रिंटर की भांति होता है। किसकी भांति होता है? प्रिंटर का ही एक रूप है, लेकिन यहाँ पर इसे प्लॉटर क्यों बोला जाता है? इसके माध्यम से हम क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले इसके माध्यम से हम नक्शे प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपको मकान बनवाना है और मकान बनवाने से पहले आप क्या करते हैं, इंजीनियर के पास जाते हैं जो नक्शा डिजाइन करता है, और उसके बाद में वो आपको एक नक्शा बना के दे देता है, या तो हार्ड कॉपी में देगा। अगर हार्ड कॉपी में देता है, वो हार्ड कॉपी में बनाकर देता है, तो वो जो प्रिंट करता है, बड़ा वाला होता है थोड़ा, तो वो किसके माध्यम से प्रिंट करता है? प्लॉटर के माध्यम से इसे प्रिंट करता है। और सॉफ्ट कॉपी में देगा तो आपके फोन में सेंड कर देगा वो कंप्यूटर में बनाकर, ठीक है। यदि सॉफ्ट कॉपी में देता है तो आपके कंप्यूटर में या आपको ईमेल कर देगा, या फिर आपके मोबाइल में व्हाट्सअप कर देगा, किसी प्रकार से भी सॉफ्ट कॉपी आ सकती है। तो ये हो गया प्लॉटर। इसका प्रयोग नक्शे बनाने में और किसी प्रकार के रेखा चित्र बनाने में जो पेंटिंग्स वगैरह होती है बड़ी बड़ी, उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसका प्रयोग ग्राफ बनाने में किया जाता है, ग्राफ को प्रिंट करने में। मेन तो काम इसका प्रिंटिंग का है, बनाने का नहीं है। बनाते हैं तो किसमें है? कंप्यूटर में है। कंप्यूटर में इसे बनाया जाता है और उसमें इनपुट दिया जाता है कि आपको प्रिंट करना है। तो प्लॉटर क्या करता है, उसे प्रिंट कर देता है। तो इसके माध्यम से नक्शे, रेखा चित्र, ग्राफ आदि बना सकते हैं। और इसका प्रयोग जो है कौन करता है, इसका प्रयोग करता है डॉक्टर भी करता है, हॉस्पिटल्स में भी ये काम आता है। और
इंजीनियर करता है। और कौन करता है? वास्तुविद। वास्तुविद जो होते हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं। वास्तुविद या कोई सिटी प्लानर जो होता है वो भी इसका प्रयोग करता है। सिटी प्लानर मतलब जो सिटी को प्लान करता है कि भाई इस प्रकार से इसका नक्शा होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए। तो जो सिटी प्लानर होता है वो भी इसका प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए? प्रिंट करने के लिए, नक्शे आदि को प्रिंट करने के लिए। तो ये हो गया प्लॉटर। ये भी एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर ये जितने भी हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस देखे हैं, पढ़े हैं, वो क्या है? हार्डवेयर डिवाइस हैं जिनको हम छूकर भी महसूस कर सकते हैं। जैसे सीपीयू हो गया। अब सीपीयू आप बोलोगे सीपीयू तो उसके अंदर रहता है, उसको छूकर थोड़ी महसूस कर सकते हैं। लेकिन सीपीयू क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो डिवाइस जो होते हैं, उपकरण जितने भी होते हैं जिनको अपन चाहे तो छूकर महसूस करें या नहीं करें, तो वो सब क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। तो प्लॉटर एक हार्डवेयर युक्ति है जो नक्शे, रेखा चित्र, ग्राफ आदि को प्रिंट करने में प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग डॉक्टर, इंजीनियर, वास्तुविद और सिटी प्लानर करते हैं। तो ये हो गया प्लॉटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्या? नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो आप। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस अपना आता है जिसके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त होती है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर नाम तो ये सभी ने सुन रखा होगा मेरे ख्याल से। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर एक किसी प्रकार की जो प्रेजेंटेशन करनी होती है आपको कंप्यूटर के माध्यम से, उसमें ये काम आता है। यदि आपके किसी प्रकार की प्रेजेंटेशन आपको करनी है, प्रेजेंटेशन मतलब हिंदी में कहते हैं प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण यदि आपको करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोजेक्टर का। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर प्रोजेक्टर लग रहा है और मैं आपको इसमें कंप्यूटर दिखा रहा हूँ, प्रिंटर दिखा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए इसमें प्रस्तुतिकरण में कर रहा हूँ। और वो किसके माध्यम से संचालित होता है? वो या तो लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ता है या कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता है। और उसमें एक पावर पॉइंट का ऑप्शन होता है, उसके अलावा और भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं पावर पॉइंट से ही करें, लेकिन पावर पॉइंट्स में स्लाइड्स बनती हैं। पावर पॉइंट्स को अपन स्पेशली, अलग टॉपिक है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इससे क्या करते हैं? स्लाइड्स बनाते हैं और उस प्रेजेंटेशन को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। किसके माध्यम से? प्रोजेक्टर के माध्यम से। इसमें हम और क्या कर सकते हैं? इसमें हम मूवीज भी देख सकते हैं। यदि आप घर में मूवीज ये प्रोजेक्टर लगाना चाहते हैं, तो उसके बाद में आप उसको लैपटॉप या उससे कनेक्ट करके आप मूवीज का भी आनंद ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सॉन्ग्स सुन सकते हैं, प्रेजेंटेशन हो सकता है, किसी प्रकार की मीटिंग में यदि प्रेजेंटेशन देनी हो कि भाई ये प्लानिंग है, मैंने ये बनाया, मतलब पूरी प्रस्तुतिकरण उसको तैयार करके लेके जाना होता है, और प्रोजेक्टर पर व्हाइट स्क्रीन पर इसे दिखाई दे, व्हाइट स्क्रीन सफेद पर्दे पर, सफेद पर्दे पर इसको दिखाया जाता है, उसकी इमेज को दिखाया जाता है। ये होता है प्रोजेक्टर। क्या होता है? प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये सब आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर एक मॉनिटर की तरह कार्य करता है क्योंकि मॉनिटर स्क्रीन पर भी आप सूचना ही देखते हैं, ठीक है, आउटपुट ही देखते हैं, हमें सूचनाएं प्राप्त होती है। तो सेम प्रोजेक्टर में भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती है। सपोज कीजिए यहाँ प्रोजेक्टर लग रहा है तो आपको सूचनाएं प्राप्त हो रही है। तो प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर और प्रिंटर
और मॉनिटर, ये सब क्या है? आउटपुट उपकरण है। क्या है? आउटपुट उपकरण। और इनपुट उपकरण में हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से होते हैं, इसके पहले वाली वीडियो में आप जरूर देखिएगा, है ना। अगर आपको कुछ वीडियोस YouTube पर नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर मिल जाएंगे, वेबसाइट में www.jugalsir.com, jugalsir.com। यहाँ पर आपको कंप्यूटर के वीडियो पूरे जो इसके पहले वाले वीडियो हैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो कुछ इनपुट पढ़े अपन ने, कुछ आउटपुट पढ़े, और कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों की भांति कार्य करते हैं, जो दोनों की भांति कार्य करते हैं, जो दोनों की भांति कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इनपुट इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस ऐसे उपकरण जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करते हैं, जिनमें हमें डाटा की एंट्री भी करनी पड़ती है और सूचना भी हमें उसके माध्यम से, इंफॉर्मेशन भी हमें उसके माध्यम से प्राप्त हो जाती है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जो इनपुट और आउटपुट की तरह, दोनों की तरह कार्य करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसे उपकरण जो जो इनपुट जो डाटा इनपुट करने में और आउटपुट देने में काम आते हैं। क्या कहलाते हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से उपकरण आते हैं? आपने नाम सुन रखा होगा दोस्तों, मोडियम। मोडियम ये क्या होता है? अभी डिटेल में पढ़ेंगे अपन मोडियम। और एक होती है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक होती है हेडसेट्स। और नेक्स्ट, आउटपुट और इनपुट दोनों की तरह कार्य करने वाला फैक्स। फैक्स मशीन आपने नाम सुन रखा होगा दोस्तों, फैक्स मशीन। ये सब ऐसे उपकरण हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे मोडियम ले लेते हैं। सबसे पहले मोडियम का काम क्या होता है? ये डाटा जो आप इंटरनेट यूज करते हैं, डाटा या इंटरनेट जो आप यूज करते हैं, सबसे पहले ये डिवाइस उसको ग्रहण करता है, उसे रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करता है, प्राप्त करता है। सबसे पहले ये उसे प्राप्त करता है या रिसीव करता है। फिर क्या करता है? ये उस डाटा को सेंड कर देता है। किसके माध्यम से? वाईफाई के माध्यम से या किसी अन्य सोर्स के माध्यम से ये सेंड कर देता है और ये हमें प्राप्त हो जाता है, जिसे हम वाईफाई के जरिए कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं। तो मोडियम कहाँ पर काम आता है? इंटरनेट को एक्सेस करने में। तो मोडियम सबसे पहले रिसीव करता है, फिर सेंड कर देता है। जब ये रिसीव करता है तो इनपुट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? इनपुट की तरह, क्योंकि ये डाटा रिसीव कर रहा है और उस डाटा को हमें दे देता है। तो ये किसकी तरह कार्य कर रहा है दोस्तों? आउटपुट। तो ये ऐसा उपकरण है जो दोनों की तरह कार्य करता है, इनपुट और आउटपुट की तरह। जैसे आपने देखा होगा जियो का या किसी कंपनी का छोटा मोटा वाईफाई डिवाइस भी आता है, तो वो
क्या काम करता है, सबसे पहले तो वो सिग्नल्स के माध्यम से उस डाटा को पहले खुद रिसीव करेगा, फिर उसके बाद में हमें दे देता है, यूजर को दे देता है। तो ये दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपने देख रखी होगी, आपका मोबाइल जो है आज सभी के पास टच स्क्रीन मोबाइल है। तो टच स्क्रीन मोबाइल में आप देखते हो को जब आप उसे टच करते हो, जब उसे आप टच करते हो या किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देते हो तो उसको आपको टच करना पड़ता है। उसमें डाटा अपन इनपुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टच करके डाटा को इनपुट कर रहे हैं। टच करना मतलब डाटा को इनपुट करना। सपोज कीजिए ये आपके सामने टच स्क्रीन है, तो मैं आपको इसमें लिख रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, डाटा इनपुट कर रहा हूँ। आपके सामने कोई मूवी प्ले कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा हूँ, डाटा इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, टच करके क्या कर रहा हूँ, डाटा को इनपुट कर रहा हूँ। या मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, ये जो लिखा है ये किसी डिजिटल पेन के जरिए डिजिटल बोर्ड पर लिखा गया है, तो क्या कर रहा हूँ, डाटा को इनपुट कर रहा हूँ। और इसी डाटा को जो इनपुट किया तो अपने सामने एक सूचना निकल कर आती है, जो सूचना हमें प्राप्त होती है। जैसे मॉनिटर स्क्रीन है कोई सी भी, वो जो टच स्क्रीन होता है मॉनिटर, तो वो किसके अंदर आ जाता है, इनपुट और आउटपुट की तरह। अगर टच स्क्रीन नहीं होता है तो सिर्फ आउटपुट की तरह कार्य करेगा। तो सूचना हमें जो प्राप्त होती है इस स्क्रीन के माध्यम से, वो क्या है हमारे लिए, आउटपुट है। क्या है, आउटपुट। तो ये दोनों की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट आता है हेडसेट्स। ये क्या होता है दोस्तों, आपने ईयरफोन नाम सुना है, ईयरफोन सभी के लगे होंगे, अगर नहीं लगे हैं तो लगा लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर क्लास का आनंद लेना है, अच्छे से देखना है इसको और पूरा कंसंट्रेट यहाँ पर करना है तो ईयरफोन की आवश्यकता होती है। अब ईयरफोन कहाँ पर काम आते हैं, या तो आप किसी से बात करते हैं तब काम आते हैं, या फिर गाने सुनने हो तब काम आते हैं। ठीक है, जब आप किसी से बातचीत करते हैं, क्या करते हैं, किसी से फोन पर बातचीत करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, इधर से बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो उसमें ईयरफोन जो होता है, जैसे सपोज कीजिए ये ईयरफोन है, तो यहां पर एक बटन जैसा होता है जहां से आप गाने बंद चालू कर सकते हैं, फोन भी लगा सकते हैं, बहुत सो में आता है फीचर। ठीक है, तो ईयरफोन में यहां से तो क्या होता है, यहाँ पर स्पीकर लगे होते हैं, क्या होते हैं, स्पीकर लगे होते हैं, और यहाँ पर जो ये बटन होता है, यहाँ पर एक छोटा सा छेद भी होता है जिससे आप जब बोलते हैं तो वो आवाज़ सामने वाले को सुनाई देती है। मतलब आप इसमें उस ध्वनि का, उस आवाज़ का क्या कर रहे हैं, इनपुट कर, क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, उस आवाज़ को आप इसके अंदर इनपुट कर रहे हैं, तो ये इनपुट की तरह कार्य कर रहा है। जब आप सुनते हैं कि भाई वो क्या बोल रहा है, बहुत सी बार हो जाता है कि नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, या तो ईयरफोन निकल जाते हैं या नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब आप सुनते हैं तो किसके माध्यम से सुनते हैं, स्पीकर के माध्यम से। तो इसमें इनपुट के लिए क्या होता है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं किसमें, इनपुट डिवाइस में। तो माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस। और इसमें साथ में स्पीकर भी लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, स्पीकर लगे होते हैं, और वो स्पीकर क्या काम करते हैं, आउटपुट का काम करते हैं। जैसे ये माइक है, इस माइक में मैं बोलता हूँ, ये माइक्रोफोन है, तो आपको सुनाई दे रहा है इसके माध्यम से, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको सुनूं, तो मेरे पास किसी प्रकार का क्या नहीं है, स्पीकर नहीं है। तो ये सिर्फ इनपुट की तरह कार्य करता है। यदि मैं ईयरफोन लगा के किसी से बात करने लग जाऊं तो वहां पर ये इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है। तो आया आपको समझ में, हेडसेट्स जिसे एयरफोन भी बोले जाते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है फैक्स मशीन। आपने नाम सुन रखा हो, पहले बहुत चलती थी और आज भी कोई भी सरकारी काम हो, इधर उधर फैक्स करना हो तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, फैक्स। वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है,
इसकी होती है फार अवे जेरोक्स। क्या होती है? फार अवे जेरोक्स। ये क्या काम करती है, काम क्या करती है? देखिए दोस्तों, इसका काम है कि सपोज कीजिए आपने किसी का रिजल्ट या कोई डॉक्यूमेंट किसी सामने वाले के भेजना है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, जाके अपन ने उनको दे दिया। देने के बाद में वो क्या करते हैं, वो इसको स्कैन करते हैं। क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। किसके माध्यम से? स्कैनर के माध्यम से। उसके अंदर ही होता है इनबिल्ट, तो स्कैनर के माध्यम से इसको स्कैन कर लिया और फिर सामने वाले को सेंड कर देते हैं, ठीक है। या फिर उधर से कोई डॉक्यूमेंट आपको मंगवाना है तो क्या करते हो, क्या करते हो, वो आता है तो डायरेक्ट प्रिंट होके आता है। तो ये स्कैनर और प्रिंटर, ये स्कैनर स्कैनर और प्रिंटर दोनों का संयोजन है। स्कैनर और प्रिंटर, स्कैनर तो डॉक्यूमेंट को स्कैन करके सामने वाले को भेजने के लिए, और सामने वाला यदि हमें भेजता है तो प्रिंट होके किस में से आता है, उसके अंदर से ही आता है। किसके अंदर से? फैक्स के अंदर से। तो स्कैनर इनपुट का काम करता है। किसका? इनपुट का। इनपुट किया हमने और आउटपुट हमें जो प्राप्त हो रहा है किसके रूप में? हार्ड कॉपी के रूप में। वो किससे प्राप्त होता है? प्रिंटर से। तो ये आउटपुट की तरह कार्य करता है। कौन? प्रिंटर, ठीक है। तो ये हो गए अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कौन कौन से? मोडियम, टच स्क्रीन, हेडसेट्स, फैक्स, ये सब क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करने वाले उपकरण है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, मैं एक दो क्वेश्चन बता देता हूं आपको। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट उपकरण है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए है MICR, ऑप्शन बी है हेडसेट्स, ऑप्शन सी है मॉनिटर, और ऑप्शन डी है OMR। तो आपको अच्छी तरह पता है, हम पढ़ चुके हैं कि कौन सा इनपुट होता है, कौन सा आउटपुट होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR, ये क्या होता है? ये इनपुट डिवाइस है, तो ये भी नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ये क्या है? इनपुट डिवाइस है, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, हेडसेट्स, ये ईयरफोन जो होते हैं, अभी पढ़ के निपटे हैं अपन, इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है, तो ये भी नहीं आएगा। और मॉनिटर, मॉनिटर स्क्रीन पर हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो ये किसकी तरह कार्य करता है? ये आउटपुट की तरह कार्य करता है, तो ये आने की संभावना है। आगे एक और देख लेते हैं, ये है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। मतलब जो OMR होती है वो क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? मॉनिटर। सपोज कीजिए यहाँ पर मॉनिटर नहीं आता है, सपोज कीजिए यहाँ पर मॉनिटर नहीं आता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर आता है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन आ जाता है। तो माइक्रोफोन क्या होता है? माइक जो होता है वो किसकी तरह कार्य करता है? इनपुट का। अब सबसे बेस्ट कौन सा होगा जिसको अपन लगाए कि आउटपुट डिवाइस है? ये इनपुट, इधर भी इनपुट, और ये इनपुट और आउटपुट दोनों हैं, तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, ठीक है। आया आपको समझ में? सपोज कीजिए यहां पर,
यहाँ पर आ जाता है वेब कैम। वेब कैमरा जो होता है वो क्या करता है, वो भी क्या होता है दोस्तों, उसके माध्यम से क्या करते हैं, उसके माध्यम से सपोज कीजिए ये कैमरा है, आप जो देख रहे हो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है या ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, अपनी जो ये छवि है, अपनी जो तस्वीर है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें इनपुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इनपुट कर रहा हूँ, तभी तो आपको आउटपुट प्राप्त हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। वेब कैमरा इनपुट की तरह कार्य करता है। तो सही आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, सपोज कीजिए क्वेश्चन यू होता है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में दे देता हूं आपके सामने, प्रोजेक्टर बी है, टच स्क्रीन सी है, OCR और D है कौन सा, प्रिंटर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आउटपुट डिवाइस नहीं है मतलब क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं यहाँ पर, यहाँ पर OCR क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो कैरेक्टर्स को कोई भी अक्षर जो होता है उसको रीड करता है, तो ये इनपुट डिवाइस होता है। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर के माध्यम से हमें सूचनाएं स्क्रीन पर प्राप्त होती है, पर्दे पर प्राप्त होती है, तो वो आउटपुट हो गया, टच स्क्रीन आउटपुट भी है और इनपुट भी है, और प्रिंटर आउटपुट है, क्या है, आउटपुट। तो सही आंसर कौन सा होगा, आउटपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ पे भी आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, तो सही आंसर क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये क्या सही आंसर है, ठीक है, यदि आपने इनपुट डिवाइस नहीं पढ़े हैं और आउटपुट डिवाइस नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले वाले क्लास में आप www.jugalsir.com पर जाकर या YouTube पर उपलब्ध है तो वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, बार कोड को पढ़ने के लिए, बार कोड को पढ़ने के लिए किस युक्ति का, किस युक्ति का प्रयोग प्रयोग किया जाता है, बारकोड को पढ़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है OCR, ऑप्शन बी OMR, ऑप्शन सी OBR, ऑप्शन डी ओ ऑप्शन डी प्रिंटर। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे अलग है प्रिंटर, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो आउटपुट डिवाइस है और ये तो रीड करने का काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, तो रीड करना तो इनपुट हो रहा है। ठीक है, OCR क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, इसके माध्यम से कोई भी शब्द होते हैं उनको रीड किया जाता है, तो ये इनपुट की तरह कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर शब्द को रीड कर रहा है, किसको रीड करना है, अपन को बार कोड को।
OMR ये क्या करता है, ये भी रीड करता है, लेकिन किसको, जो आपकी मार्क शीट होती है, जो मार्क आप लगाते हो ऑप्शन ए बी सी डी जिनमें से सही आंसर जो भी है, तो ये उसको रीड करता है। आप एग्जाम देने जाते हो कोई सा भी, तो वहां पर OMR शीट दी जाती है आपको, तो ये उसको रीड करता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक है OBR ऑप्टिकल बार कोड रीडर, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा ऑप्टिकल बार कोड रीडर, ऑप्टिकल बार कोड रीडर। तो ये क्या करता है, बार कोड को रीड करता है, क्या करता है, बार कोड को रीड करता है। यदि ऑप्शन में हमारे ये नहीं आता है, ऑप्शन में ये नहीं आता है और इसकी जगह क्या आ जाता है, ध्यान से देखिएगा, BCR, BCR पहले क्या था, OBR, तो ये अपना सही आंसर था, लेकिन यहाँ पर BCR आ जाता है, तो ये भी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। क्या होती है, बार कोड रीडर, मतलब बार कोड को रीड करने वाली मशीन। तो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आते हैं, आपको ध्यान रखना है, प्रिंटर में से भी अंदर से भी आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक से आपको एक बार क्लास को देखना है, क्लास एक से देखिएगा और जब यहाँ तक देख लीजिएगा, इसके बाद वाली क्लासे आपको रेगुलर मिलती रहेगी, ठीक है। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और क्लास को लाइक करना ना भूले। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।